वक्त ब्राइट एंजल स्कूल के प्रिंसिपल पुष्पांजलि से भी हम बात कर लेते हैं। मैम, ब्राइट एंजल स्कूल की अगर बात की जाए तो थोड़ा अपने स्कूल के बारे में जानकारी हमें दीजिएगा, उसके बाद सवाल जवाब आपसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके मंच के माध्यम से मुझे अपने विद्यालय के बारे में बताने का मौका मिला। और इस समय मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्राइट एंजल्स विद्यालय और जो परिवार है, इस समय मैं ये कहना चाहूँगी कि अननोन नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आसपास का जितना भी एरिया है उसमें लगभग पेरेंट्स चाहते हैं कि उसमें एडमिशन मिले, और हम पूरी कोशिश करते हैं मैडम कि जो पेरेंट्स, जैसा कि यहाँ काफ़ी मैंने सुना कि कानपुर देहात वर्ड जो यूज़ होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे स्कूल प्रेमिसेस के अंदर इस तरह का कोई माहौल है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एरिया, हालांकि मैं इस, आप कहें कि इस स्टेट को बिलोंग नहीं करती हूँ, तो फिर भी मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला, यहाँ के पेरेंट्स से जुड़ने का मौका मिला, विद्यालय प्रबंधन ने ये मौका दिया, और मैं विद्यालय प्रबंधन और हमारे जो प्रबंधक जी हैं उनका अशेष धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने इस तरह की एक संस्था को यहाँ पर जगह दी और उस संस्था में निरंतर प्रयास करते हुए और बच्चों के लिए स्पेशली जो आसपास के, फिर वही वर्ड आ जाता है कानपुर देहात, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। अभी थोड़ा सा रहता है कि विचार ना, थोड़ा कंफर्ट जोन पेरेंट्स का रहता है कि जैसा कि हम कहें कि नगर, तो वहाँ के पेरेंट्स थोड़ा अवेयर होते हैं